अस्सलाम वालेकुम। एक और पिज़्ज़ा की यूनिक रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मटका पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मटका तो बहुत यूनिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। तो 3/4 जो है वो मैंने नीम गर्म पानी लिया, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर और 1 ही टेबल स्पून इसमें खमीर और ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून, इन सबको मिक्स कर रही हैं ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व होगी मैं इसमें 2.5 कप जो है वो मैदा डाल दूंगी और इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 1 ही टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, और इन सबको मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही ये डो की शेप में आएगी मैं इसको हाथ से इसको अच्छी तरह गूंद लूंगी। इसकी एक सॉफ्ट सी डो हम गूंदेंगे और ऊपर से ऑयल ग्रीस करके इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे जब तक कि ये राइस नहीं हो जाती। तो दूसरी तरफ हम चिकन के मैरिनेशन की तरफ आते हैं। तो मैंने लिए 500 ग्राम्स चिकन बोनलेस और 2 टेबल स्पून इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 और सफ़ेद मिर्च 1/2 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून और लेमन जूस 1 टेबल स्पून एंड लास्ट पे ऑयल 2 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद नॉन स्टिक पैन में हमेशा यूज़ करती हूँ, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया और मैं इसको फुली पका लूँगी, यानी कि फुली कुक कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। और साथ ही अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और जैसे इसका पानी ड्राई होगा मैं इसको उठा दूँगी। और जी ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। तो जो डो मेरी राइस हो चुकी है, अब मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा फिर से गूंद लूँगी और उसके बाद मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में जो है वो कट कर लूँगी और इन इक्वल पार्ट्स को भी मैं दोबारा से राउंड शेप में ले आऊंगी, यानी कि पेड़े की शेप में ले आएंगे हम इसे। तो अब मैं इसके ऊपर करूंगी मैदे की डस्टिंग और पहले मैं इसको हाथ के साथ प्रेस कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद मैं इसको बेलन की मदद से जो है बहुत पतला बेल लूंगी सर्कल में, यानी कि फ्लैट सर्कल में हम इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। तो फ्लैट सर्कल हो गया है। तो मैंने अब इसको क्या किया है कि मैंने तवा पहले से ही गर्म कर लिया, उसके ऊपर मैं इसको 3 से 4 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी। दोनों साइड को लाइट गोल्डन कर लूँगी। लाइट गोल्डन कर लिया जी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस रोटी को एक क्यूब्स की शेप में काट लूँगी पूरी रोटी को। तो ये जी क्यूब्स की शेप में कट गई है। तो अब मैं इसके बाद एक लूँगी बाउल और उसमें मैं ये सारा पिज़्ज़ा ब्रेड क्यूब्स जो है वो ऐड करूँगी और साथ ही चिकन ऐड कर दूँगी और जो भी जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, कॉर्न्स, मशरूम्स, ऑलिव्स और जैलपिनोज और ये सब कुछ लिए हैं 1/4 कप और मायोनीज भी लिए 1/4 कप और साथ में 1/4 कप पिज़्ज़ा सॉस और ऑरिगैनो 1 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये जी हमारा बैटर रेडी हो गया। अब मैंने एक प्रे पॉट लिया है मटका, आप इसे बड़ा भी ले सकते हैं। तो पहले मैं पिज़्ज़ा मिक्सचर जो है वो मैं नीचे स्प्रेड कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ मोज़रेला चेदर चीज़, दोनों को एक एक कप लेके मिक्स कर लिया और अगेन मैं वो प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ और एंड पे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चीज़। तो अगर आप उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन के साथ साथ कर रही हूँ और कुटी लाल मिर्च और ऑरिगैनो मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ, उसका अलग ही एक टेस्ट आता है। तो ओवन मेरा पहले से ही वो प्री हीटेड था 180 पे, अब मैं इसको 10 से 15 मिनट रखूंगी। तो ये जी पिज़्ज़ा मटका हमारा तैयार है, एक यूनिक रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिल सके।